मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज है 15 मार्च और अभी जैसे कि आपने पैकिंग देखी, मैं पैकिंग कर रही हूँ। मैं अपने ससुराल और मायके दोनों जा रही हूँ क्योंकि आपको पता है होली का फेस्टिवल है और पिछले साल हम जा नहीं पाए थे, तो ये हुआ कि इस साल चलते हैं। वरना कभी कभी ना इनको ऑफिस से जो है इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं। फिर यार यहाँ से इलाहाबाद जाना, मतलब आप सोच लो, इलाहाबाद नहीं प्रतापगढ़, यहाँ से प्रतापगढ़ जाना मतलब आप ये सोच लो कि हमें पूरा पूरा एक दिन पूरा लग ही जाता है। तो इतनी ज़्यादा फिर ये सोचने को हो जाता है यार, छोटा सा बच्चा था अभी तक बिल्कुल, तो हम लोग ये सोचते थे, अवॉइड ही करते थे कि बहुत ज़्यादा जर्नी ना करें। लेकिन अब थोड़ा सा आदमी बड़ा हो गया है तो मैं सोच रही थी कि चलते हैं इस बार, थोड़ा सा कुछ काम भी है और तो फिर कुछ पैकिंग बाकी थी, मैंने सोचा क्यों ना अभी कर लिया जाए। थोड़ा अद्विक खेल रहा था, बिजी था, तो मैंने सोचा चलो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो अद्विक के लिए मैंने टी शर्ट ली है जिसमें लिखा है बुरा ना मानो होली है बैक साइड, और ये फ्रंट में लिखा है हैप्पी होली। और बहुत क्यूट सा है, बहुत सॉफ्ट सा है और मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया है और ये 220 का पड़ा है। और वैसे तो बहुत कम प्राइस में भी थे, ज़्यादा प्राइस में थे, बट ये थोड़ा सॉफ्ट था तो मैंने दो मंगवाए थे। मुझे जो थोड़ा सा कम प्राइस में था वो अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, हाँ जी, दिस इज़ योर टी शर्ट, लुक, इट्स माय टी शर्ट, यस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नो, और ये टी शर्ट आदविक को भी बहुत पसंद आई है क्योंकि थोड़ी कलरफुल है ना, तो बच्चे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। और वैसे जो है अगर थोड़ा सा वाइट रहता बहुत ज़्यादा तो ये इंटरेस्ट नहीं लेते, बट ये इसको रेनबो टी शर्ट बोल रहा है क्योंकि आपको पता है ये कलरफुल है। आई डोंट नो वेयर इज योर रेक्टेंगल। तो ये टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी अब तो परचेज नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, बट बाद में आप यार पता है कहीं जाना होता है ना तो मन में बेचैनी सी होती है ना, और हार्ट बीट थोड़ी सी बड़ी होती है कि जो है हमें जाना है, सुबह 5 बजे निकलना है, तो मतलब बहुत ऐसा हो जाता है कि डर डर सा लगा रहता है कि जो है अभी निकलना है, कुछ रह तो नहीं गया। तो इस वजह से क्या होता है ना, अंदर से ना इसीलिए बेचैनी होती रहती है। और ये बेचैनी पहले नहीं होती थी, जब बेबी नहीं था तो नहीं होता था, हम लोग रैंडम ही निकल जाते थे, बस पैकिंग होती थी और तत्काल की टिकट होती थी अद्विक के रास्ते के लिए। और वहाँ पे अब क्योंकि ये बहुत छोटा था तब गया था तो वहाँ पे टॉयज भी नहीं है, और यहाँ पे आपको पता है इसके इतने सारे टॉयज हैं, तो मैंने ना इसके लिए एक टॉयज परचेज किया है, ज़ाइलोफोन। और इसमें जो है ये जो रस्सी लगी हुई ना, इससे इजीली बच्चा, जैसे कार को बच्चे चलाते हैं ना, वैसे जो है इसे लेके चला भी सकते हैं और इसे बजा भी सकते हैं। और बहुत देखिए इसमें व्हील्स भी लगी हुई है। और ये मुझे पड़ा था, एक मिनट, तो ये मुझे जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा ऑफर में चल रहा था, इस वजह से इसमें जो रेट लिखा है वो 649 है। और अगर आप इसे अमेज़ोन में चेक करेंगे, ये देखिए बहुत क्यूट सा है यार ये, और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं बना रही हूँ सिंपल आलू और पालक की सब्ज़ी, नॉर्मल से, बिल्कुल ना कोई मसाला ना कुछ, थोड़ा सा पालक मैंने कम किया है, आलू की सब्ज़ी जैसे समझ सकते हैं आप इसे। बाकी यहाँ पे दाल चावल रोटी सब। घर से हम जाते हैं ना तो बहुत सारी टेंशन ये होती है यार कि अपने प्लांट्स के जो सारे हमारे प्लांट्स हैं वो किसको दे के जाने हैं, क्योंकि हम जितनी अच्छे से केयर करते हैं ना उतनी अच्छे से कोई केयर भी नहीं कर पाएगा। और वही होता है यार कि अगर हम कहीं जाते हैं ना तो फिर आते हैं ना, फिर आपको पता ही है घर का क्या हाल होता है, फ्रिज में से बहुत गंदी से स्मेल आने लगती है, किचन पूरा अस्त व्यस्त मिलता है, घर पूरा अस्त व्यस्त मिलता है। तो कहीं जाना तो अच्छा लगता है लेकिन फिर आते हैं ना तब पता चलता है कि हमारे अब जो है इतनी सारे काम। यहाँ पे आद्विक ने अपने सारे टेडी बियर, कल मैं सफाई कर रही थी तो उसे इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आद्विक थोड़ा नाराज हो गया और मुझसे फिर से पैक करवा रहा है कि आपने इसे ओपन क्यों किया। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने अपने सासू माँ के लिए एक गिफ्ट लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी मैंने अपने ससुर जी के लिए और जो बाकी लोगों के लिए गिफ्ट लिया हुआ है तो वो जो है मैंने जो है उसे भेज दिया है, क्योंकि आपको पता है बच्चे को कैरी करना और थोड़ा बहुत अपना भी सामान है उसे कैरी करना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप भी ये कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप उसे जो है एक कार्टून में पैक करके अब आप उसे पार्सल कर सकते हैं, इजली वो सामान पहुँच जाएगा, क्योंकि होली वगैरह के भी बहुत सारा सामान था, आद्विक के होली के टॉयज थे, ये
सब चीज़ें थी, तो हमने उसे पार्सल कर दिया है। ये बैग हमने नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा हैवी है, और जो है होता है ना कि सारे सामान हमने जो है अच्छे से इसको थोड़ा सा रखने में जगह थोड़ी ज़्यादा जो है स्पेस थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है, इस वजह से नहीं किया। तो ये जो है, ये जो पर्स है, ये कलर आई डोंट नो क्यों ऐसा दिख रहा है, बट ये कलर बहुत प्यारा कलर है, और ये मुझे पड़ा है ऑन MRP पड़ा हुआ है मुझे, इसमें कुछ भी छूट नहीं थी, तो ये मुझे 1700 की पड़ी है, और मैंने साथ सोचती हूँ मैं थोड़ा सा मैंने शॉपिंग जो करी है वो दिखा दूँ जो मेरी खुद के रखी हुई है। तो ये कुर्ती है जो मुझे 660 में पड़ी है, और ये बहुत अच्छा है, अच्छा मीन्स कि ये बहुत घेर वाला है, जैसे फ्रॉक होता है ना, यहाँ पे जो है ये जो कमर के पास जो बेल्ट है, अगर आप इसे इसलिए बांध लेंगे ना तो फिर जो है ये आपको बहुत अच्छे से फिट आ जाएगा। और होता क्या है कि बेल्ट में अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका वेट लॉस भी होता है तो भी ये आपको फिट आने लगती है, और आपका वेट बढ़ता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर ना थोड़े से डिज़ाइन है, और ये बहुत क्यूट लगते हैं डिज़ाइन, मुझे ये बस इतना आया है। और इसके साथ मुझे ये एक डार्क ब्लू कलर का जो है कुर्ती पसंद आया, और इसमें भी आप देख सकते हैं ना ये बेल्ट वाला, मैं इसे बहुत लेती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा वेट, हमारे वेट का कुछ पता नहीं होता ना, कभी गेन कर देते हैं कभी लॉस हो जाता है, तो इस वजह से वेट लॉस होता है तो फिर अच्छे नहीं लगते ना ड्रेसेस, तो ये बहुत अच्छे फिटिंग के आते हैं। अब मैं जब इसे पहनूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये प्यारा सा डिज़ाइन है, देख सकते हैं, और ये मुझे पड़ा है 875 में, और ये भी बहुत क्यूट सा है। और ये जो सूट मैंने लिया है ये जो है डेली वियर के लिए है, और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है 495 का, और इसमें जो है ये पैंट भी दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा सेट ही है। और ये ना इसका ऐसे गला है, और ये आपको दिख नहीं रहा, ये डार्क पर्पल कलर में है, पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, तो बहुत बहुत घटिया है। और यहाँ पे ये एक रेड कलर का लिया है मैंने, रेड तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा चेरी रेड नहीं है, थोड़ा मैरून जो है के टच में है, और ये भी इसके साथ में ये। तो यहाँ पे जो है मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनका बेबी हुआ है, तो उसके लिए ये टी शर्ट एंड पैंट, पैंट बहुत सॉफ्ट है क्योंकि मेरा बच्चा जीन्स वगैरह कभी नहीं पहनता है, बच्चों के लिए ना ऐसे सॉफ्ट वाली ड्रेसेस बहुत अच्छी होती हैं। और साथ में आदमी को ये पजल्स बहुत पसंद है ना, उसके पास ऐसे एक पहले मैं लेके आई थी तो उसने इधर उधर कर दिए, तो फिर मैं उसके लिए लेके आई थी, तो उनके बेबी के लिए भी मैंने ये पजल्स लिया हुआ है, और ये थोड़े बिग साइज़ में है ना, तो ये थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा होता है, वो इसे जल्दी बनाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद आप उन्हें कैसे भी पजल्स देंगे ना वो इसलिए उसे जो है सीख जाते हैं बनाना। और यहाँ पे तो आद्विक ने लिया है अपने लिए एक आर्मी वाला जो हेलीकॉप्टर होता है, और बहुत क्यूट सा है लिटरली। और इस छोटे से टॉयस का प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो ये 250 का है, हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेटल का बना हुआ आई थिंक, बट अब उसने जिद की थी तो जो है उसे दिलाना पड़ा, बट बहुत क्यूट सा है ये। और इसे बैक साइड लेके जाओ ना तो ये बिल्कुल आगे की ओर जाती है, और इसमें अगर आप यूज़ करना चाहें तो सिल से भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में लिया है आद्विक के लिए जो है ये जो नेचुरल कलर होता है गुलाल वाला वो है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इसे आप कितना भी फेस पे लगाएंगे ना तो कोई इसके हार्मफुल रिजल्ट नहीं आएंगे। इसमें लिखा भी है ऑर्गेनिक गुलाल, ये फलों से वेजिटेबल से प्योर सेफ नेचुरल, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। अगर आपका बेबी ऐसी चीज़ें खेलता है ना तो उसे आप जो है ऐसे ही जो ऑर्गेनिक वाला है ना वो ले लीजिए, और ये ख़राब भी नहीं होता है, आप इसे इजीली रख सकते हैं, फिर पूजा घर वगैरह में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी पैकिंग कितनी क्यूट है ना, एकदम हाउस जैसे,
ये सारे ही सामान है और अभी सब कुछ ये सब चीज़ें रखनी है, बाकी चीज़ें तो रख चुकी हूँ। और तो शाम के नाश्ते के लिए मैंने बनाया है पोहा, तो चलो मैं इनको देकर आती हूँ। और रास्ते के लिए मैंने बनाया है कुछ घर के पेड़े, और मैंने थोड़ा सा पपाया भी कट किया है पोहे के साथ में। आज आपको मेरे फेस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो नज़र आ रहा होगा, और पहले की वीडियोस देखिए, थोड़ा आज की वीडियोस देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र में आएगा, क्योंकि मैंने खुद से ये O3 वाला फेशियल किया हुआ है। थोड़ा बहुत चीज़ें कर लेती हूँ यार मैं अपने आप से, थोड़ी बहुत अपनी थ्रेडिंग बनाना, ये करना, दूसरे का नहीं कर पाती हूँ किसी का, बट अपनी कर लेती हूँ, फेशियल तो कर लेती हूँ किसी का। तो ये जो है ब्राइडल फेशियल किट है, और सबसे अच्छी बात है ये सिर्फ ग्लोइंग स्किन के लिए है, और ऐसे बहुत सारे पैक होते हैं इसमें, आपको पता 10 स्टेप्स होते हैं, और बहुत बहुत बेस्ट है अगर आपको O3 सूट करता है। मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, और ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है यार ये, और आप चाहो तो इसे ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इसका वीडियो मैं बनाऊंगी, इसीलिए मैंने इसे एक बार यूज़ किया, इसका वीडियो मैं अपने जो मेरा ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो वाला चैनल है ना, वहाँ पर डालूंगी मैं, और वहाँ पर जो है इसका लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी आप लोगों को। और इस कल तो सूट नहीं कर पाई क्योंकि रात में किया था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं जो है हुआ था मेरे पास। वैसे तो मुझे पार्लर जाना था, बट यार पता है आपको ना कि जो है बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो उसके बाद बच्चे बहुत चिड़चिड़े रहते हैं कुछ दिनों तक, तो इस वजह से नहीं जा पाई, तो घर में ही कर लिया। बट आपको पास से दिखाती हूँ, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे सच में। तो शाम को डिनर में मैंने बनाया है पनीर बटर मसाला, साथ में हरे प्याज की और आलू की सब्ज़ी और रोटी। सो गाइज, अभी रात के बज रहे हैं 9, और मैंने सोचा वीडियो का भी एंड कर देते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना है, तो आपको पता है ना सुबह सुबह निकलने में कितनी प्रॉब्लम होती है, और 5 बजे निकलना है, 5 बजे की ट्रेन है, तो 4 बजे से पहले ही उठना है, कुछ बहुत सारी चीज़ें बनानी है, पूरी सब्जी आदविक के लिए, क्योंकि हम इसे बाहर का बिल्कुल नहीं देते हैं, ट्रेन का तो कुछ भी नहीं देते हैं, तो इस वजह से बनानी है सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें मैंने बना ली, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था पेड़े वगैरह और मखाने वगैरह फ्राई करके रख लिए, तो फिर जो है इसके बाद आप जो मेरा ब्लॉग देखेंगे वो ससुराल का ब्लॉग दिखाएंगे, आपको मायके का ब्लॉग दिखाएंगे, तो आप इंजॉय करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।